जनार्दन के आशीर्वाद से वहाँ के कार्यकर्ता और हमारे नेताओं के समन्वय के कारण मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक जीत, एक तरह से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई है। और साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारा जो मैं समझता हूँ वहाँ की जनता जनार्दन ने अपनी परिपक्वता को दिखाते हुए, अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को दिखाते हुए, मैं समझता हूँ जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा भाजपा सरकार का कर्नाटका में, वो हर दृष्टिकोण से सफल रहा। और वैसे भी 2018 में जो जनादेश मिला था वो कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी, लेकिन आप जानते कि साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी, मैं समझता हूँ, नियम वो अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए वो तोड़ लेते हैं। और आज 5 वर्ष पूर्व जो उन्होंने, मैं समझता हूँ, एक तरह से जनादेश को चुराने की बात की थी, आज उसको पुनः वहाँ की जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये क्रम हमारा 2021-22 में हिमाचल से प्रारंभ हो गया था, चाहे वो हमारे उपचुनाव थे 4, वहाँ पर भी 4-0 की जीत के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हिमाचल प्रदेश में हुई। और उसके उपरांत 2022 में भी एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती थी, और वही लहर कॉरपोरेशन के इलेक्शन के दौरान भी आपको देखने को मिली। और कर्नाटका भी एक, मैं समझता हूँ, एक कमबैक एक तरह से कांग्रेस पार्टी की लहर। मुझे याद है 1977 में भी जब कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ, सत्ता से बाहर थी, उस वक्त भी कर्नाटका चिकमंगलूर से, जहाँ से इंदिरा जी पुनः सांसद चुन के आई थी, वहाँ से कांग्रेस का कमबैक प्रारंभ हुआ था, रिवाइवल प्रारंभ हुआ था। तो हम इसका स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा पार्लियामेंट का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल में भी कह रहे थे कि हम मिशन रिपीट करेंगे, हम 20 साल के लिए आगे, 30 साल के लिए आगे, 50 साल के लिए आगे, तो कहीं 24 मेरे को लगता है एक स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में, मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और हमारी, मैं समझता हूँ, केंद्र में भी एक मजबूत सरकार हमारी प्रगतिशील पार्टियों की, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, नगर निगम चुनाव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और जो काउंसलर जीत के आए हैं अभी नए 24 काउंसलर कांग्रेस के, उनकी मीटिंग रखी है ताकि उनसे विचार विमर्श हो सके। और क्योंकि कल जो है मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव है, उसके ऊपर मंथन और चर्चा हो सके और आपसी सहमति बना के डिसाइड कर सके कि किसको बनाना है। सर, एक बात उठ रही है कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आप भी क्या इसका? देखिए महिलाएं जो है निसंदेह समाज में एक अहम भागीदारी उनकी रहती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट मेयर और डिप्टी मेयर के लिए डिसाइड होने हैं वो काउंसलर्स ने ही करने हैं। इसी के लिए मंथन जो भी वो डिसाइड करेंगे, हमारे को ना पार्टी को ना हाईकमांड को इसकी कोई आपत्ति है। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा बंगवा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।